क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, हमने 10 ए के क्वेश्चन नंबर 22 तक किया था लास्ट टाइम, ठीक है। 23 आपको अपने आप करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, अ ग्रोसर परचेज 200 केजी ऑफ राइस एट 25 पर केजी, देन ही सोल्ड 80 केजी एट गेन 10% एंड 40 केजी एट लॉस 4%, एट वॉट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमेन टू गेन 8% ऑन हीज टोटल। इसने कोई सामान खरीदा, इकट्ठा खरीद लिया, ठीक है, अब उसे थोड़ा थोड़ा करके बेच रहा है, ठीक है। शुरुआत में क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 24, 200 केजी राइस ऑफ एट 25 पर केजी, ठीक है, 200 किलो खरीदा उसने, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, देखो भाई 24 क्या क्या उसने 200 केजी राइस 25 पर केजी, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसकी सीपी निकाल लेते हैं, इतने ये सामान खरीदा, एक्चुअल में खरीदा कितने का, तो निकालेंगे सीपी ऑफ 200 केजी राइस कितनी होगी, 200 मल्टीप्लाई 25, ये हो जाएगी 5,000 रुपये। ये क्या हो गया, 200 केजी उसने 5,000 रुपये के क्या खरीदे, चावल खरीदे 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो कर रहा है 24 ए ग्रोसर ही सोल्ड 80 केजी ऑफ इट, यहां लिखते हैं क्या भाव से बेचा, 80 केजी ऑफ इट एट गेन 10%। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा इसने, 80 केजी इसने राइस बेचे 10% किस पे, गेन पे, तो सीपी ऑफ 80 केजी कितना होगा, 80 मल्टीप्लाई 25, सीपी तो वही होगा जितने में खरीदिया ने, कितने हो गए 2,000 रुपये। गेन कितना है, गेन परसेंट कितना है 10%, ठीक है, गेन परसेंट कितना है 10%। अब ध्यान से सुनो बात को, हमारे पास सीपी भी है, गेन परसेंट भी है, क्या निकाल सकते हैं, सीपी और गेन परसेंट वाला फॉर्मूला क्या है, गेन परसेंट से गेन निकाल सकते हैं और गेन से हम क्या निकाल सकते हैं, गेन परसेंट निकाल सकते हैं। तो गेन का फॉर्मूला क्या है, क्या है, सीपी मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100। सीपी कितनी है 2000 मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100, तो 200 रुपये का उसे गेन हुआ। एसपी ऑफ 80 केजी राइस, एसपी ऑफ 80 केजी राइस कितना हो जाएगा, 2000 का उसने खरीदा प्लस 200 का गेन लिया उसने, तो कितने का हो जाएगा, 2500 रुपये का हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन थी जो 80 केजी राइस की थी, ठीक है। उसके बाद दोबारा देखते हैं क्या हुआ, यहां पर इसे 200 रुपये का गेन हुआ, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या करा, एंड 40 केजी एट अ लॉस ऑफ 4%। अब 40 केजी का निकाल लेते हैं सेकंड कंडीशन, लिखे लिख सीपी ऑफ 40 केजी राइस कितना होगा, जिस हिसाब से खरीदा वही 40 × 25 1000 रुपीज सीपी हो गया। लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट 4%। अब लॉस परसेंट है तो लॉस निकालेंगे, लॉस का फॉर्मूला क्या है, वही सेम सीपी मल्टीप्लाई लॉस परसेंट अपॉन 100। गेन परसेंट है तो सीपी मल्टीप्लाई गेन परसेंट अपॉन 100, बताए थे ना फॉर्मूले शुरू में ही, तो सीपी कितनी है हमारी 1000 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100, कितने का लॉस हुआ उसे, 40 रुपये का उसे लॉस हुआ। तो एसपी कितनी हो गई वहाँ पर,
1000 माइनस 40 एसपी हो गई हमारी 960 रुपीस। ठीक है, दो एसपी आ गए हमारे पे, 80 केजी वाला भी और 40 केजी वाला भी। अब 200 केजी खरीदा उसने, उसमें से 80 केजी भी बेच चुका और 40 केजी भी बेच चुका, कितना राइस बचा ये भी याद रखना है, राइस कितना बचा उसके पास। अब वो कह रहा है एट वॉट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमाइंडर टू गेन 8% ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। अब वो क्या कह रहा है, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसे किस रेट पर बेचे, कितने का बेचे, उसे कितने का बेचे, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस पूछा है इसने। ठीक है, उसे कितने का बेचे, जो उसे टोटल पे, किस पे, टोटल पे यानी कि इस पे 8% का प्रॉफिट हो, कितना प्रॉफिट हो, 8% का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, दो निकाल लेते, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं टोटल पे 8% का प्रॉफिट क्या होगा। गेन ऑन टोटल एट 8%। ठीक है, गेन का फॉर्मूला क्या है, सीपी मल्टीप्लाई रेट परसेंट अपॉन 100। सीपी टोटल का कर रहे हैं तो टोटल 5000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100। ₹400 का उसे टोटल गेन चाहिए अगर इस पे 8% उसे चाहिए। ठीक है, अब ₹400 का टोटल पे गेन चाहिए था उसे, कितना गेन चाहिए था उसे, ₹400 टोटल गेन चाहिए था उसको इस पर टोटल पे। अब टोटल में उसे गेन कितना हुआ, टोटल पे उसे गेन हुआ ₹200 का तो यहाँ हुआ। ठीक है, ₹200 का तो यहाँ हुआ गेन और ₹40 का यहाँ लॉस हुआ। ठीक है, ₹200 का उसे यहाँ गेन हुआ, ठीक है, ₹40 का उसे यहाँ लॉस हुआ, तो एक्चुअल में उसे गेन हो चुका कितना, गेन कितना मिल चुका उसे, गेन मिल चुका उसे 200 माइनस 40, यानी कि 200 माइनस 40 160 का उसे गेन मिल चुका, और टोटल गेन कितना है, टोटल गेन है हमारा ₹400 का उसे गेन चाहिए टोटल। ठीक है, कितना गेन चाहिए, ₹400, 400 में से उसे कितना मिल चुका, 160 मिल चुका उसे, तो कितना बचा, ₹240 गेन उसे और चाहिए, कितना गेन चाहिए उसे, ₹240 और गेन चाहिए उसे। ठीक है, अब 240 और गेन चाहिए, इसको कैसे करें, अब हमारे पास सामान कितना बचा हुआ है, थर्ड कंडीशन आ जाती है, थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, सीपी ऑफ 80 केजी, कितना होगा 80 केजी की, वही होगी जो यहां पर थी 2000। गेन उसे कितना चाहिए, गेन चाहिए उसे ₹240। देखो यहां पर सीपी भी है गेन भी है, क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है, वो यही तो कह रहा है, इस बचे हुए को कितने परसेंट गेन पर बेचे जो टोटल पे उसे 8% का प्रॉफिट हो। टोटल पे हमने 8% का प्रॉफिट निकाला, कितना होना चाहिए उसे, ₹400 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 400 में से 160 का उसे प्रॉफिट हो चुका, 200 का यहाँ प्रॉफिट हुआ, 40 का यहाँ लॉस हुआ, अगर कंपेयर करें तो 160 का उसे प्रॉफिट हो चुका। ठीक है, अब जो 160 का प्रॉफिट उसे हो चुका तो कितना प्रॉफिट और चाहिए उसे, तो ₹240 और चाहिए, कितने रुपये पे, 2000 का उसका सामान बचा हुआ है, चावल बचे हुए हैं और 240 का उसे चाहिए प्रॉफिट, तो क्या निकालना है, हमें गेन परसेंट निकालना है, बस इस पे कितने परसेंट होगा। ठीक है, गेन परसेंट, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, 240 गेन मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है हमारा 2000, तो उसे बचे हुए पर 12% गेन चाहिए, अगर वो बचे हुए पर 12% गेन लेगा, 2000 पे 12% गेन लेगा तो ₹240 उसे और मिल जाएंगे। अब 240 और मिल जाएंगे, 160 पहले मिले हुए हैं, तो 240 और 160 कितना होता है, 400, टोटल पे कितना हो जाएगा उसे प्रॉफिट, ₹400 उसे प्रॉफिट हो जाएगा टोटल पे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25 क्या है, 25 में कहा इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टी वी इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस, लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं एक्स, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी क्या है? एसपी है 5/6/5 ऑफ सीपी, यानी कि 6 × x/5, यानी कि 6x/5, ये क्या हो गया हमारा एसपी, और ये क्या है हमारा सीपी, तो गेन निकाल सकते हैं। गेन का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी, 6x/5 − x, एलसीएम लेंगे 5, 6x − 5x, यह आ जाएगा x/5, ये क्या आ गया हमारा गेन आ गया। अब क्या निकालना है? गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है? गेन मल्टीप्लाई 100/CP, यही है ना, तो गेन कितना है हमारा x। अब ऊपर फ्रैक्शन आएगी तो उसका डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? नीचे, तो x/5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। सीपी कितना है हमारा? सीपी है x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 20% उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये था हमारा 24 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन। ठीक है, 26 भी ऐसा ही है, आपको करना है। बाय सेलिंग अ बकेट ऑफ 322 ए फ्लोवरिस्ट गेन 15%, एट वॉट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%, आपको करना है 26 क्वेश्चन करना है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं समझा दूंगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? बाय सेलिंग अ बकेट फॉर 322 अ फ्लोवरिस्ट गेन 15%। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 में ये कह रहा है, बाय सेलिंग ए बकेट ऑफ 322, बकेट का एसपी कितना है? एसपी है 322। ठीक है, गेन कितना ले रहा है? वो गेन ले रहा है 15%, तो गेन परसेंट कितना है? 15%। ठीक है, गेन परसेंट कितना है? 15%। तो एसपी हमारे पास, गेन परसेंट है, तो सीपी निकाल सकते हैं हम। सीपी का फॉर्मूला क्या है? 100/100 + गेन परसेंट मल्टीप्लाई एसपी, है ना, 100/100 + गेन परसेंट मल्टीप्लाई एसपी, यही है ना। चलो निकालते हैं, 100/100 + गेन परसेंट कितना है? 15 मल्टीप्लाई एसपी कितना है हमारा? 322। ठीक है, वो कर लेते हैं, ये आ जाएगा 115 × 322। ठीक है, 322 ही है ना, 15% बाय सेलिंग अबाउट 322। ठीक है, चलो उसको कट करते हैं, किससे कट होगा? 5 से कट लेते हैं, 5 से कट करेंगे 20, और इसको 5 से कट करेंगे 23 आ गया। 23 से मैं इसको कट करूँ, 23 × 23 क्या बचा? 7 × 2 = 9, 92। 23 फोर जा और 8 जा, 4 जा कट जाएगा ये 92, तो 14 2 जा यहाँ पर आ जाएंगे हमारे, 14 2 जा कितना आएंगे? 14 2 जा हो जाएंगे हमारे 280 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारा? सीपी आ गया। क्या आ गया हमारा? सीपी आ गया। चलो अब क्या कह रहा है वो, ये दो क्वेश्चन एक साथ जोड़ के दे दिए उन्हें, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द गेन 25%। अब ये क्या आ गया हमारा? सीपी। अब उसे गेन की परसेंट कितना चाहिए? गेन परसेंट चाहिए उसे 25%। तो क्या बनाना है? पहले एसपी दिया, एसपी से हमने क्या निकाला? सीपी। अब उस सीपी से वो क्या कह रहा है? सीपी पे अगर 25% उसे गेन चाहिए तो एसपी क्या होगा? अब एसपी निकालेंगे, पहले गेन परसेंट है तो गेन निकालेंगे। गेन का फॉर्मूला क्या है हमारा? सीपी मल्टीप्लाई 8% 280 × 25 100, 25 × 25 = 4 क्या जाएगा? 70 रुपीज़ उसे गेन चाहिए। ठीक है, कितना गेन चाहिए उसे? 70 रुपीज़ गेन चाहिए, तो एसपी क्या होगा उसका? एसपी हो जाएगा 280 + 70, कितना हो जाएगा? 350 रुपीज़। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला 336 अ शॉपकीपर लॉस 4%, एट व्हाट प्राइस मस्ट, ये सेम है बिल्कुल, ठीक है। पहले सीपी निकालेंगे और फिर एसपी निकालेंगे। 28 क्वेश्चन था। 29 देखो, रेडियो इज सोल्ड 3120 एट अ लॉस ऑफ 4%, व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर 3445। देखो ये थोड़ा सा लगे, 29 क्वेश्चन क्या है, 29 क्वेश्चन में रेडियो सोल्ड, एसपी दिया हुआ है रेडियो का, एसपी ऑफ रेडियो कितना है 3120, लॉस परसेंट कितना है, लॉस परसेंट है हमारा 4%, एसपीएमआर पे लॉस परसेंट है, क्या निकालना है सीपी, सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी, यही है ना। तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 4 मल्टीप्लाई एसपी कितना है हमारा 3120, ठीक है। तो 100 अपॉन 96 मल्टीप्लाई 3120, ठीक है। अब इनको कट करके देख लेते हैं, 4 से कट करूँ, 4 से कर लेते हैं, यहाँ तो आ जाएगा 4 से कट करके 25 और यहाँ आ जाएगा 24, ठीक है। अब 24 से अगर मैं इसको कट करूँ, 24 बन जा 24 बन जा 24, 6 और 1 7 3 आ जाएगा 130, ठीक है। क्या आ गया 130 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। हमारी सीपी क्या हो गई, सीपी आ गई 3250, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अगर वो इसे इसी प्राइस को, इसका एसपी अगर कितना होता, इसका एसपी अगर होता 3445, पहले तो एसपी ये था, उस एसपी से हमने क्या निकाला सीपी, सीपी निकाली। अब वो कह रहा है सीपी तो यही है, अगर एसपी ये होता तो उसे कितना गेन होता, कितने परसेंट गेन होता, तो गेन निकालेंगे। अब तो गेन हो रहा है ना, देखो 3445 माइनस 3250 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 14 माइनस 5 9, यहाँ बचा 3 माइनस 2 1, ठीक है। 195 रुपीज़ का उसे गेन हुआ, तो गेन भी है हमारे पास और सीपी भी है, गेन परसेंट निकाल लेंगे। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, गेन गेन मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, गेन कितना है हमारा, गेन है हमारा 195 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है हमारा, ये रहा 3250, ये कट हो जाएगा, 5 से कट कर लेते हैं, 5 2 जा 5 से 5 6 जा और 5 5 जा 65 13, तो 3% उसे क्या होगा गेन होगा, अगर वो कितने में बेचेगा 3445 में बेचेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29। लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ी फॉर 190 ईच, ऑन वन साइड सी लॉस 10% विल, ऑन द अदर साइड सी गेन 10%, फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 29। 30 देखो, 30 में क्या कह रहा है वो, दो साड़ी है, एक को 10% लॉस पे बेची और एक तो 10% गेन पे बेची, खरीदी कितने की थी उसने, लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ी 1980 ईच, एसपी दोनों का ही एसपी कितना है 1980, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, एक में तो उसने क्या लिया गेन लिया, कितना गेन परसेंट कितना है 10%, और दूसरे में क्या लिया उसने लॉस परसेंट कितना है 10%, ठीक है। एसपी है दोनों का हमारे पास, सीपी निकालते हैं दोनों से, सीपी का फॉर्मूला क्या है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, गेन परसेंट यानी 10 इंटू 1980, ठीक है। यहाँ पर सीपी कितना है हमारा, सीपी है यहाँ पर 100 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 1980, ठीक है।
तो 100 अपॉन 110 मल्टीप्लाई 1980, ठीक है। 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, 11 एट जा, तो 1800 रुपये की उसकी सीपी थी, ठीक है। एक उसने 1800 रुपये की खरीदी थी जिस पे उसे 10% का गेन हुआ, और 1980 को उसने बेच दी। अब दूसरी वाली देख लेते हैं कितने की खरीदी थी, बेचने प्राइस दिए हैं बस। तो 100 अपॉन 90 मल्टीप्लाई